हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ग्लोरियस क्लासेस। माई सेल्फ संजीव कुमार पाठक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी। इन द लास्ट लेक्चर आई गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू एंड फ्रेश टॉपिक दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस चीज को हम इस लेक्चर में डिस्कस कर। बिना टाइम को वेस्ट किए लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो फटाफट हेडिंग लगाइए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज हमें ये डिस्कस करना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देयर आर फॉलोइंग मॉडल्स आर प्रपोज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई मॉडल्स दिए गए थे। कौन कौन से मॉडल्स दिए गए थे, लिपिड मॉडल दिया गया था, लेमिनार मॉडल दिया गया था और इसके साथ साथ फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट लिखिएगा कि देयर आर फॉलोइंग मॉडल्स आर प्रपोज्ड। यहां पे स्टेटमेंट लिखिए, देयर आर फॉलोइंग मॉडल्स आर प्रपोज्ड, फॉलोइंग मॉडल्स आर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने क्या कहा, देयर आर फॉलोइंग मॉडल्स आर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। कौन कौन से मॉडल्स प्रपोज किए गए थे, द फर्स्ट वन इज लेमिनार मॉडल या लिपिड मॉडल। फर्स्ट क्या था, लिपिड मॉडल फर्स्ट। सेकंड क्या है, दैट इज लेमिनार मॉडल। फर्स्ट क्या था, लिपिड मॉडल, द सेकंड क्या है, दैट इज लेमिनार मॉडल। और थर्ड क्या था, दैट इज फ्लूइड मोजैक मॉडल। फ्लूइड मोजैक मॉडल, तो बेसिकली तीन मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। फर्स्ट आपका लिपिड मॉडल था, सेकंड लेमिनार मॉडल था और थर्ड क्या था, फ्लूइड मोजैक मॉडल था। इसमें से अगर देखा जाए तो दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनको क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, और एक मॉडल ऐसा है जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था। तो यहां पे जो लिपिड मॉडल था और लेमिनार मॉडल था, इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेमिनार मॉडल और लिपिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सप्लेन था। बट फ्लूइड मोजैक मॉडल क्या था, ये एक्सेप्टेड था, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। अगर पूछा जाए तो वो कौन सा मॉडल था, दैट इज फ्लूइड मोजैक मॉडल। और जब मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोजैक मॉडल है, तो हम इस लेक्चर में किसको डिस्कस करेंगे, फ्लूइड मोजैक मॉडल को ही डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, फ्लूइड मोजैक मॉडल को। तो सब लोग हेडिंग लगाइए, फ्लूइड मोजैक मॉडल। तो फटाफट हेडिंग डालिए, दैट इज फ्लूइड मोजैक मॉडल। सबसे पहली चीज, फ्लूइड मोजैक मॉडल क्या होता है, देखिए फ्लूइड मोजैक मॉडल क्या है, यहां पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, पहली चीज इसको प्रपोज किसने किया, सो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट। इस मॉडल को दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, और कब प्रपोज किया था, इन 1972। द स्टेटमेंट लिखिएगा, द फ्लूइड मोजैक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट,
Singer Nicholson, two scientists, that is Singer and Nicholson, दो साइंटिस्ट थे सिंगर और निकोलसन, जिन्होंने क्या किया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज किया था। और किस ईयर में किया था, इन 1972। किस ईयर में किया था, इन 1972। इस ईयर में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज किया था। सिंगर निकोलसन ने प्रपोज किया था इस मॉडल को, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस मॉडल को सिंगर निकोलसन ने प्रपोज किया था, सो इट इज नोन एज, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगर एंड निकोलसन, दैट इज सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। इसीलिए इस मॉडल को क्या कहते हैं, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था, इसीलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल कहा जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे रखिएगा याद, कि जो सिंगर और निकोलसन का मॉडल था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए कि according to this model, इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो according to this model, the plasma membrane, लिख लीजिएगा, plasma membrane, consist of two component, जो plasma membrane था, that consist of two component, ये दो component से constitute हुआ था, कौन कौन सा, first component था, that is phospholipid, and the second is प्रोटीन। तो कितने कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट क्या था, फॉस्फोलिपिड था, और दूसरा कंपोनेंट क्या था, प्रोटीन था। अब जो फॉस्फोलिपिड था, ये फॉस्फोलिपिड जो है, कितनी लेयर होती है, इसकी दो लेयर होती है, तो यहां पे लिख लीजिएगा, there are two layers present, यहां पे कितनी लेयर प्रेजेंट है, दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। और प्रोटीन के केस में अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन बेसिकली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, फर्स्ट है दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, और सेकंड क्या, दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो दो टाइप की प्रोटीन है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बात समझ में आ गई, इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट से बना होता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड की टू लेयर्स होती है, प्रोटीन दो होंगी, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी और एक क्या होगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो पूरी की पूरी फॉस्फोलिपिड में क्या होती है, एम्बेडेड होती है, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो क्या होती है, सरफेस पे प्रेजेंट होती है। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। हमने क्या कहा कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके किससे किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, उसकी कितनी लेयर है, दो लेयर है, और प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन दो टाइप की है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और एक क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, यही आपको बताया। तो यहां पे देखो, यहां पे बेसिकली हमने कहा कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कितने कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट हो रहा है, दो कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट हो रहा है। पहला कंपोनेंट जो इसका है, दैट इज फॉस्फोलिपिड, पहला कंपोनेंट क्या है, फॉस्फोलिपिड है, और दूसरा कंपोनेंट जो है
दैट इज प्रोटीन। वो क्या है? दैट इज प्रोटीन। तो दो कंपोनेंट है, एक फॉस्फोलिपिड और एक क्या है? प्रोटीन। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है इसकी बेसिकली कितनी लेयर है? टू लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। कितनी लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं? टू लेयर एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। तो यहां पर जो फॉस्फोलिपिड है इसकी कितनी लेयर्स एग्जिस्ट कर रही हैं? टू लेयर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कह रहे हैं। दूसरी चीज, जो प्रोटीन होता है ये दो टाइप की होती है। अभी आपको बताया कौन कौन सी प्रोटीन होगी। जो सरफेस पे एग्जिस्ट करती है उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो फॉस्फोलिपिड के इनसाइड एग्जिस्ट करती है उसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो जो इनसाइड एग्जिस्ट करेगी उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अंदर पाई जा रही है। जो सरफेस पे एग्जिस्ट करेगी उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये सरफेस पे एग्जिस्ट करती है इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सरफेस प्रोटीन। इसे क्या कहते हैं? सरफेस प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस प्रोटीन कहते हैं। और दूसरी चीज, जो आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी सब्सटेंस को कैरिड आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस को सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड ट्रांसपोर्ट करता है या कैरी करता है। इसीलिए इसे कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टेटिव प्रोटीन कहते हैं। और करके चाहो तो लिख लो, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेटिव प्रोटीन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेटिव प्रोटीन कह रहे होते हैं। ये इसके फंक्शन के बेसिस पे नेम दिया गया है। बात समझ में आई? तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा गया या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा गया ये किसकी बेसिस पे कहा गया? ये कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ये किसकी बेसिस पे कहा गया? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे कि ये कहां पाए जा रहे हैं उस लोकेशन के बेसिस पे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा गया। ये जो कहा गया सरफेस प्रोटीन या ट्रांसपोर्टेटिव प्रोटीन ये किसके बेसिस पे टर्म दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किसके बेसिस पे टर्म दिया गया? फंक्शन के बेसिस पे। तो यहां पे जो टर्म दिया गया ये किसके बेसिस पे दिया गया? लोकेशन। और यहां पे जो टर्म दिया गया किसके बेसिस पे दिया गया था? फंक्शन के बेसिस पे दिया गया था। बात समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? तो हमने जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इंट्रिंसिक कहा वो लोकेशन के बेसिस पे, कहां पाया जा रहा। जो हमने कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेटिव प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन कहा ये फंक्शन के बेसिस पे नेम दिया। बात समझ में आई? दूसरी चीज, यहां पे आपको प्रोटीन तो समझ में आ रही होगी, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक भी अभी समझा दूंगा। अभी यहां पे पहला टर्म समझते हैं फॉस्फोलिपिड, कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। तो फटाफट हेडिंग लगाइए फॉस्फोलिपिड। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए दैट इज फॉस्फोलिपिड। दो लेयर होती है, बाई लेयर कहते हैं इसीलिए फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के केस में क्या होता है? कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो मतलब क्या? यहां फॉस्फो वर्ड से मतलब हो गया कि यहां पर क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, पीओ फोर ग्रुप एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? पीओ फोर ग्रुप एग्जिस्ट करता है, फॉस्फेट ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जो क्या होता है? अटैच होता है। किससे अटैच होता है? लिपिड से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? लिपिड से अटैच होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है फॉस्फोलिपिड का,
तो जो फॉस्फोलिपिड होते हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पोलर पार्ट या एक होता है हेड पार्ट फॉस्फोलिपिड का, और एक क्या होता है? टेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? टेल पार्ट। हेड पार्ट जो होता है ये किससे बनता है? फॉस्फेट से। और टेल पार्ट जो होता है ये किससे बना होता है? लिपिड से। किससे बना होता है? लिपिड से बना होता है। हेड पार्ट किससे बना होता है? फॉस्फेट से बना होता है। इसी को समझिएगा कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो ये उसका क्या है? हेड पार्ट है। मान लो ये क्या है उसका? हेड पार्ट है। और ये क्या होता है? टेल पार्ट होता है। ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपके फॉस्फोलिपिड की एक यूनिट है, एक लेयर है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये कौन सा पार्ट है? ये पहला पार्ट है, दैट इज हेड पार्ट। और ये क्या होता है? दूसरा पार्ट है, दैट इज टेल पार्ट। तो दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक टेल। हेड पार्ट जो होता है वह फॉस्फेट से बना होता है, इसीलिए ये क्या होता है? वॉटर लविंग होता है। क्या होता है? वॉटर लविंग या पोलर होता है। क्या होता है? पोलर या पोलर है, मतलब नाम से क्लियर। अगर पोलर है तो ये क्या हो गया? वॉटर लविंग हो गया। क्या हो गया? वॉटर लविंग हो गया। कैसा होगा? वॉटर लविंग होगा। लेकिन जो टेल पार्ट होता है, ये टेल पार्ट क्या होता है? नॉन पोलर होता है। टेल पार्ट क्या होता है? नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने का मतलब ये क्या होता है? वाटर हीटिंग होता है। क्या होता है? वाटर हीटिंग होता है। वाटर को हीट करता है, ठीक है, उससे नफरत करता है। तो जो आपका हेड वाला पार्ट है ये पोलर होगा, वाटर लविंग होगा, मतलब वाटर को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो टेल वाला पार्ट होगा वो वाटर हीटिंग होगा, नॉन पोलर होगा। क्यों? क्योंकि ये किससे बना होता है? दैट इज कंसिस्ट ऑफ लिपिड। क्योंकि ये किससे बना होता है? लिपिड से बना होता है, इसीलिए ये क्या होता है? वाटर हीटिंग होता है, वाटर लविंग नहीं होता है। बात समझ में आ गई? ये किसका स्ट्रक्चर था? फॉस्फोलिपिड का। अब आपको कंपोनेंट भी पता चल गया कि किससे किससे बना होगा, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी पता चल गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या अरेंजमेंट है। नोट डाउन करिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रोसीड करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फटाफट। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर में, हमने पढ़ लिया किससे किससे कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। इसका एक्चुअल में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो फटाफट हेडिंग लगाइए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो हेडिंग डालिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज हमें क्या डिस्कस करनी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका एक्चुअल में डायग्राम के फॉर्म में देखा जाए एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी हमने फॉस्फोलिपिड बनाया था, उसी तरह जो फॉस्फोलिपिड है उसकी कई यूनिट्स पाई जाएंगी और वो आपस में मिलके एक लेयर बनाएंगी अपर साइड, उसी तरह सेम लेयर बिलो साइड भी बनेगी। तो फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर बन रही है? दो लेयर बन रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पे सपोज फॉस्फोलिपिड आपने लिया, ये फॉस्फोलिपिड की एक यूनिट ले रखी है आपने। अब इसी तरह ये क्या हो रहा है? यूनिट्स आपस में, कई यूनिट्स आपस में अटैच होते जा रही है। ये आपने एक यूनिट ली, उस यूनिट के थ्रू कई यूनिट्स अटैच हुई और ये आपस में यूनिट्स अटैच होती जा रही है। अब अटैच होने के बाद फिर बीच में एक स्पेस दिया, फिर आपने देखा ये आगे यूनिट्स और भी अटैच होती चली जा रही है। अब जब कई यूनिट्स आपस में अटैच हो रही हैं, तो इनके अटैच होने से पूरी एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पूरी एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। बात समझ में आई? इस ये अपर साइड बनी है तो इसे क्या कहते हैं? अपर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लेयर ऑफ
अपर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड कैसी लेयर हो गई? अपर लेयर हो गई, ऊपर वाली लेयर। तो अपर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसी तरह सेम कहां एग्जिस्ट करता है? इसके जस्ट बिलो एग्जिस्ट करता है। तो इसके जस्ट बिलो भी यही एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा इसी के जैसा, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लोअर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये अपर लेयर थी और ये कौन सी लेयर हो गई? दैट इज लोअर लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड। ये क्या हो गया? दैट इज लोअर लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड, ये लोअर लेयर हो गई। अब जब दोनों लेयर्स को हम मिक्स करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाईलेयर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फॉस्फोलिपिड बाईलेयर का फॉर्मेशन होता है। तो जब दोनों लेयर को हम मिक्स करेंगे, साथ में देखेंगे, तब उसे क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड बाईलेयर कहेंगे। आई होप ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा पार्ट है, हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है, अभी बता के आया हूं। अब देखिए, ये जो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर बना, ये तो हो गया कंपोनेंट नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट कंपोनेंट। अब होता क्या है, इस जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है इसके बीच में एक प्रोटीन एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? एक प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही होती है। ये इसके बीच में क्या एग्जिस्ट करेगी? एक प्रोटीन एग्जिस्ट करती है, ये एक प्रोटीन एग्जिस्ट करती है। और इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? जो प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है, इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। That is called intrinsic protein. इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इंट्रेंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इसी के साथ साथ सरफेस पे भी कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये जो सरफेस पे प्रोटीन पाई जाती हैं, इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो वो तो इंट्रिंसिक प्रोटीन थी, ये जो सरफेस पे पाई जाएगी इस प्रोटीन को आप क्या कहोगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहोगे, या सरफेस पे पाई जा रही है तो सरफेस प्रोटीन कहोगे। बात समझ में आई? अब यहां पे दोनों का फंक्शन क्या है? ये मान लीजिए ये जो कंपोनेंट है ये सेल का आउटसाइड है, आउटसाइड है। और ये क्या है? ये वाला कंपोनेंट इनसाइड है। क्या है? इनसाइड है। तो एक्चुअल में होता क्या है? ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो एक्चुअल में जो सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज अकर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो मूवमेंट कहां होगा? कहां से कहां होगा? सबस्टेंस का फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है ना? कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर से, सॉरी, सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। और किसका ट्रांसपोर्ट होगा? यूजफुल सबस्टेंस का। किसका होगा? यूजफुल सबस्टेंस का। और जो हार्मफुल सबस्टेंस होंगे वो सेल के इनसाइड से सेल के आउटसाइड ट्रांसपोर्ट होंगे। मतलब कि जो यहां पे हार्मफुल सबस्टेंस है उनका ट्रांसपोर्ट सेल के इनसाइड से सेल के आउटसाइड होगा, और यहां पे ट्रांसपोर्ट किसका होगा? हार्मफुल सबस्टेंस का। किसका होगा? हार्मफुल सबस्टेंस का। तो जो यूजफुल है वो आउटसाइड से इनसाइड आएंगे, जो हार्मफुल है वो इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? इंट्रिंसिक प्रोटीन कराता है। इसीलिए इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं?
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं या ट्रांसपोर्टेटिव प्रोटीन कहते हैं या कैरियर प्रोटीन कहते हैं। और ये जो सरफेस पे पाई जा रही है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसको हमने कहा, ये बेसिकली क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं, क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं किसको, सबस्टेंस को। किसको इंगल्फ करते हैं, सबस्टेंस। अगर कोई यूजफुल सबस्टेंस बाहर से अंदर की तरफ लाना है तो भी ये उससे कंबाइन करके यहां पे भेजेंगे, अगर कोई हार्मफुल सबस्टेंस अंदर से बाहर की ओर ले जाना है तो भी ये उसको कैप्चर करके भेजेंगे। बात समझ में आई? तो ये क्या करते हैं, सबस्टेंस को इंगल्फ करते हैं। अब एक चीज यहां पे देखिएगा कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है दैट इज एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड, वो क्या है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में एम्बेडेड है, धसी हुई है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं, द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द आइसबर्ग ऑफ द लिपिड या फ्लोटिंग इन द आइसबर्ग ऑफ द लिपिड। ये किसने कहा था, सिंगर निकोलसन ने कहा। तो क्या कहा था सिंगर निकोलसन ने, कि नंबर ऑफ प्रोटीन, जरूर लिखिएगा हाईलाइट करके, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ लिपिड। ये स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया था कि ये जो आपकी उन्होंने क्या स्टेटमेंट यूज किया, ये जो आपकी प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो आइसबर्ग की तरह होती हैं, जैसे आइसबर्ग सी में फ्लोट कर रहे होते हैं उसी तरह ये प्रोटीन्स भी क्या होती है, इस लिपिड के सी में क्या हो रही होती है, फ्लोट हो रही होती है। ये स्टेटमेंट किसने कहा, सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, आप लोग के लेवल पे नहीं पूछा जाए, कॉम्पिटिशन लेवल पे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट किसने दिया था। बात समझ में आई? तो इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट। एक चीज और यहां पे कि ये जो आपका कैरियर प्रोटीन है या ट्रांसपोर्टेटिव प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये क्या करता है, सबस्टेंस को आउटसाइड से इनसाइड लाता है यूजफुल, और हार्मफुल को इनसाइड से आउटसाइड ले जाता है। मतलब ये किसकी तरह काम करता है, एक पंप की तरह काम कर रहा होता है। किसकी तरह काम करता है, एक पंप की तरह वर्क कर रहा होता है। किसकी तरह वर्क करेगा, पंप की तरह। जैसे हमारा हर्ट होता है तो वो करता क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाता है उसको क्या करता है, प्यूरिफाई कर, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, फिल्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारे हार्ट जो होता है बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, दोनों डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का फ्लो करता है, ठीक है ना। तो वो जो पंप की तरह काम कर रहा है, हार्ट भी पंप की तरह काम कर रहा है, उसी तरह ये भी क्या करता है, यूजफुल और हार्मफुल दोनों सबस्टेंस का एक्सचेंज कराता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि एक प्रोटीन किसकी तरह काम कर रहा होता है, पंप की तरह काम करता है। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत इजी टॉपिक है, अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, साथ साथ फंक्शन भी देख लेते, छोटा सा टॉपिक है। देखो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं उसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी में क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि इट इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, इट इज अ सेलेक्टिव परमिएबल, लिख लेना स्टेटमेंट कि ये क्या है, इट इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, दैट इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या, कि ये क्या करता है, इट अलाउ द एंट्री ऑफ यूजफुल सबस्टेंस, अलाउ द एंट्री ऑफ यूजफुल सबस्टेंस। ये यूजफुल सबस्टेंस के एंट्री को क्या करता है, अलाउ करता है,
और क्या अलाउ करता है, इट अलाउ द, यहां पे लिख लीजिए इट अलाउ द, दूसरा क्या करता है अलाउ द एग्जिट ऑफ, अलाउ द एग्जिट ऑफ ऑफ हार्मफुल हार्मफुल सबस्टेंस। ये एंट्री तो करेगा ही, ये अलाउ करेगा एंट्री को, किसके एंट्री को, यूजफुल सबस्टेंस की, इसके साथ साथ जो हार्मफुल सबस्टेंस है उनके एग्जिट को भी अलाउ कर देता है, उनको बाहर भी जाने देता है और यूजफुल सबस्टेंस को आने भी देता है। तो यूजफुल सबस्टेंस की एंट्री को अलाउ कर रहा है, कौन कौन से ऐसे सबस्टेंस है जिसकी एंट्री होती है, तो लिख लीजिएगा यहां पे वो सबस्टेंस कौन कौन से है। फर्स्ट है दैट इज, लिख लीजिए फर्स्ट क्या, दैट इज वॉटर मॉलिक्यूल, वॉटर के बाद क्या होगा, दैट इज सॉल्ट, विटामिन विटामिन, हार्मोन्स हार्मोन्स, ऑक्सीजन एंड फूड। ठीक है, इनकी एंट्री को प्रमोट करता है, अलाउ करता है, और एग्जिट को अलाउ करता है, किसके एग्जिट को अलाउ करता है, हार्मफुल, एंट्री किसकी कराएगा, यूजफुल सबस्टेंस की एंट्री कराता है, किसकी एंट्री कराता है, यूजफुल सबस्टेंस की, और एग्जिट कराएगा हार्मफुल सबस्टेंस के। तो कौन कौन से हार्मफुल सबस्टेंस होंगे, फर्स्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, और क्या एग्जिट कराता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका एग्जिट कराता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सभी क्या होते हैं, बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या करता है, एग्जिट कराता है। दूसरा फंक्शन अगर हम देखें तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जो किसकी तरह एक्ट करता है, इट इज एक्ट एज अ, लिख लीजिएगा इट इज एक्ट एज अ, किसकी तरह एक्ट करेगा, इट इज एक्ट एज अ एंजाइम, किसकी तरह एक्ट करता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और प्रमोट करता है, किस चीज को प्रमोट करेगा, सबसे पहले चीज इसमें कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो किसकी तरह एक्ट कर रही हैं, एंजाइम की तरह, प्रमोट करते हैं किसको, प्रमोट द कैटालिटिक रिएक्शन, जो कैटालिटिक रिएक्शन है, कैटालिटिक रिएक्शन को क्या कर रहा होता है, प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, कैटालिटिक रिएक्शन को प्रमोट करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप, ये प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, और क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ये क्या प्रोवाइड करेंगी, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी इंजरी से। और क्या होता है, एक चीज और यहां पे लिख लीजिएगा, एक फंक्शन और, कि ये क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं, इसीलिए किसको प्रमोट करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंगल्फिंग फूड, फूड को इंगल्फ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बात समझ में आ गई, ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब अलाउ करेगा यूजफुल सबस्टेंस और हार्मफुल सबस्टेंस, यूजफुल सबस्टेंस के एंट्री को अलाउ करेगा, हार्मफुल सबस्टेंस के एग्जिट को अलाउ करेगा। इसके साथ साथ जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, जो किसको प्रमोट करते हैं, कैटालिटिक रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, और प्रोवाइड करते हैं, देते हैं डेफिनेट शेप और प्रोटेक्शन। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। बेसिकली आप इसमें कुछ प्रोसीड ही नहीं करना, सॉरी, फंक्शन आपका खत्म हो गया। तो फंक्शन क्लियरली हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज क्या डिस्कस किया,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर खत्म कर लिया, फंक्शन खत्म कर लिया। अगर आपने इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप यही प्रोसीड करिए। और हाँ, एक चीज और, इसमें जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है ना। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ हो, कोई भी डाउट होगा, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक फ्रेश टॉपिक के साथ जो कि इसी से रिलेटेड है। इसमें हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेटिव प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।